जरकल भवन में सोमवार को धूमधाम से मनाया गया भगवान विश्वकर्मा का जन्म उत्सव। सृष्टि की रचना करने वाले भगवान विश्वकर्मा का जन्म उत्सव सभी कल कारखानों में विधिवत पूजा अर्चना करने के पश्चात मनाया जाता है। गोलघर स्थित जलकल भवन में पिछले 25 वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। विश्वकर्मा जन्म उत्सव के अवसर पर लोक गीत का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर त्रिभुवन सिंह, विजय कुमार यादव, छोटे लाल, रघुनाथ तिवारी, संत राम त्रिपाठी, राजेश कुमार सहित अन्य विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अशोक कुमार पाठक ने कहा, भगवान विश्वकर्मा जी का जन्म बताओ जला शिल्पी कला से और यह प्रमाण मिलेला कि भगवान भोलेनाथ तक लैका विश्वकर्मा महाराज जी हो देखाई रामदेव वाली धुन लगा दे बड़ी पुराण गीत बा लेकिन बड़ी लहर बा आजकल देखा तो भैया कौनो मेहरारू का मर्द प्रदेश बा मेहरारू का मर्द प्रदेश बा पहले बड़ा जरूरी अगर लग जाता लो समय में तब लोग तार मारे कि जल्दी से चलिया बा बड़ा जरूरी काम बा तो तार मार के मेहरारू का लस्सी ये सैया जी तू कहला नी महीने में चल जाई वो महीना बीत गई दूसर को महीना बीत गए लेकिन अला ना आई हो महीना बीते वाला बा लेकिन मर्दा कॉलेज की मनो आवत है तो के चाही का कॉलेज के हमके एक ठीक चीज ले लिया कौन चीज ले लिया और आज के बाद मान लो दिल्ली बम्बई गुजरात हम जमाना में तार मरात रहा ये जमाना में अगर बम्बई दिल्ली हम तो संधर जरूर लगा देना कहीं हेलो हेलो अदुदाई में अगर ना ही मेहरारू बोल लो माने लड़के वाले हम वही परेशान में बेचारी कहीं किस ने साना पिया तो साना पिया हाँ तो दुदाई मरलन फोन तीन दाई अगर मरलन करना ही अगर ढोली पर तीन दाई फोन मार दे तो कहाँ रह लेंगे कहीं हुमत है लगातार बगल तो कुछ सेट बना तो ई जमाना भैया फोन ई मोबाइल अच्छा भी है और बड़ा गलत भी है अभी शुरुआत में भैया बाद में मजाई कुछ डिस्टर्ब हम खुद बाकी ये विश्वकर्मा पूजा लगभग विगत 25-30 वर्षों से लगातार होता आ रहा है और हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल की भांति इस साल भी हम लोग विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किए हैं और मना रहे हैं। भगवान विश्वकर्मा की कृपा है और भविष्य में भी हम लोग इसी तरह मनाते रहेंगे। मैं अशोक कुमार पाठक, अध्यक्ष मार्ग प्रकाश कर्मचारी संघ नगर निगम गोरखपुर। ये संगठन के तरफ से ही मनाया जाता है, मार्ग प्रकाश कर्मचारी संघ मनाता है और सहायक अभियंता श्री अशोक सिंह जी के देखरेख में ये सब संपन्न होता है और इस साल भी उन्हीं की देखरेख में संघ कर रहा है और ये संपन्न कराया जा रहा है।